ओबीसी आरक्षण को लेकर सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बेहद गहमा गहमी के बीच हुई इस बैठक में ओबीसी समाज ने मराठा कुनबी को ओबीसी में शामिल करने का भारी विरोध किया। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि ओबीसी समुदायों के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देना सरकार की भूमिका है। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति मराठा, धनगर और ओबीसी के आरक्षण को लेकर गरमाई है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन खत्म करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि मराठों को तुरंत कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, जिसका ओबीसी समाज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन मुद्दों को लेकर ओबीसी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री छगन भुजबल समेत कई महत्वपूर्ण मंत्री और नेता मौजूद थे। बैठक में ओबीसी से संबंधित आंकड़े रखे गए, जिसे गैर ओबीसी नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। आंकड़ों को लेकर बैठक में खूब नोकझोंक हुई। बैठक में छगन भुजबल ने मंत्रालय में कार्यरत ओबीसी समुदाय के अधिकारियों और कर्मचारियों के आंकड़े पेश किए। भुजबल ने कहा, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। भुजबल के इस आंकड़े पर अजीत पवार ने आपत्ति जताई। पवार ने कहा, अगर ये जानकारी सही है तो भुजबल को इसका सबूत दिखाना चाहिए। इस पर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए गए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आश्वासन दिया कि किसी भी समाज के आरक्षण को प्रभावित नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।